असलम न्यू ऑक्सफर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक टू यूनिट ट्वेल्थ पीटर रैबिट इसकी हमने इंग्लिश रीडिंग और उर्दू ट्रांसलेशन कंप्लीट कर ली थी अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज पहले करते हैं क्वेश्चन आंसर्स ये क्वेश्चन देखते हैं वाई डिड पीटर फील सिक पीटर ने क्यों महसूस किया कि वो बीमार है पीटर फेल्ट सिक बिकॉज ही वॉज़ टायर्ड बाई ऑल द रनिंग ही हैड टू डू नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ये वाला चैलेंज हैव यू रीड एनी अदर स्टोरीज बाय बैट्रिक्स पॉटर लुक फॉर मोर स्टोरीज बाय हर एंड शेयर देम विद योर क्लासमेट्स यानी बैट्रिक्स पॉटर जिसने ये स्टोरी लिखी है इसकी मजीद स्टोरीज कोई आपने पढ़ी हैं तो उनका जिक्र करें हेयर आर सम ऑफ द स्टोरीज बाय बैट्रिक्स पॉटर द टेल ऑफ स्कटकिन The Tailor of Gloucester, The Tale of Benjamin Bunny, The Tale of Two Bad Mice, The Tale Mrs. Tiggy Winkle. अब हम करते हैं ये वाले क्वेश्चंस। एक्सरसाइज ए के क्वेश्चन नंबर वन इसका ए पार्ट वट वर द नेम्स ऑफ मिसिज रेबिट्स चिल्ड्रन पीटर फ्लॉपसी मॉपसी एंड Cottontail were the names of Mrs. Rabbit's children. Where did the rabbits live? The rabbits lived in a sandbank underneath the root of a bigger fir tree. What did Mrs. Rabbit tell the children to do? Mrs. Rabbit told the children that they could go into the fields or down the lane but not into Mr. McGregor's garden. Question D hai, Where did Peter go? Peter went into Mr. McGregor's garden. E. Hai, what did Peter get stuck in? Peter got stuck in a gooseberry net. Question F What was wrong with Peter's hiding place? Peter's hiding place, the can, was full of water. Question G Note karen. Name four plants that Mr. McGregor had in his garden. Answer Lettuce, French beans, radishes, and पोटैटोस हाउ डिड पीटर इसकेप फ्राम द गार्डन पीटर इसकेप फ्राम द गार्डन बाई जम्पिंग आउट ऑफ द वंडो ऑफ टूल शेड क्वेश्चन नंबर टू है पुट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन ऑर्डर ये तमाम सेंटेंसेस स्टोरी में से लिए गए हैं आपने अपने जहन में पूरी स्टोरी को दोहराना है और फिर उस उसमें जो जो वाक्यात आए हैं उनको तरतीब से आपने लिखना है तो सबसे पहले क्या हुआ था पीटर्स मदर वेंट टू बाय सम ब्रेड। फिर क्या हुआ पीटर फेल्ट इल नेक्स्ट पीटर गॉड स्टक इन द नेट पीटर वेंट इन टू द टूल शेड फिर नंबर फाइव पे आएगा पीटर हिट इन अ वाटरिंग कैन फिर आएगा पीटर वेंट टू बेड। पीटर्स मदर गेव हिम सम कैमिली और लास्ट में आएगा पीटर्स सिस्टर्स हैड बेरीज एंड मिल्क अब हम करते हैं एक्सरसाइज बी चेंज द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड टू मेक अ सेकेंड वर्ड ड्रा पिक्चर्स टू तो आपने जो क्ल्यूज़ दिए हुए हैं उसके मुताबिक पिक्चर्स भी हैं तो एक का नाम लिखना है फिर उसका पहला वर्ड सॉरी लेटर हटाकर दूसरा लेटर लगा के एक नया वर्ड बनाना और फिर उनकी पिक्चर्स भी ड्रॉ करनी है तो ये क्ल्यूज दिए हुए हैं अ स्मॉल एनिमल बिकम्स अ प्लेस टू लिव इन हाउस पिक्चर के मुताबिक यहाँ लिखेंगे हाउस और इसका फिर ए हटा के एम लगा देंगे और बन जाएगा माउस अ थिंग टू होल्ड राइस इन बिकम्स अ पार्ट ऑफ़ योर बॉडी तो यहाँ पर पिक्चर है सेक की तो यहाँ पर एस ए सी के लिखेंगे फिर इसका ऐसा टाकर आप दूसरा वर्ड लिखेंगे बैक बी ए सी के और बैक की तस्वीर भी बनाएंगे क्योंकि बोरी जो होती है सेक वो अक्सर कमर पर उठाई जाती है सम थिंग यू रीड बिकम्स सम वन हु गेट्स मील्स रेडी तो यहाँ पर तस्वीर किसकी है बुक की ये लिख के फिर इसका ये हटा देंगे बी और यहाँ पर लगाएंगे सी बन जाएगा कुक और कुक की आपने पिक्चर ड्रॉ कर देनी है अब हम करते हैं एक्सरसाइज सी का ये क्वेश्चन पुट इन्वर्टेड कॉमर्स इन दॉलोइंग ये जो सेंटेंसेज हैं मैंने यहाँ लिखे हैं और इनपे कॉमर्स लगाए हैं ये आप नोट करें ही सेट टमोरो इज संडे शी सेट नो it is monday today is saturday he said no today is sunday she replied अब हम करते हैं exercise d your teacher will make some statements tell the others what your teacher said ये असल में इसको रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी यानी टीचर जो है उसने कहा आई एम टायर्ड फिर आप बताएंगे कि टीचर ने क्या कहा तो आप ऐसे बोलेंगे शी सेड शी वॉज टायर्ड इसमें जो फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की वो चेंज होकर सेकेंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी और इसमें आपने यू को आई लिखना है ये देखते हैं यहाँ पे नोट करें आप एग्जाम्पल थे टीचर आई एम टायर्ड यू शी सेट

आई एम हंग्री आई शी सेट डैट शी वॉज हंग्री माई टीचर दे आर नॉट माइन आई शी सेट डेट दे वर नाट हर्स तो इस तरह के आप और सेंटेंसेस भी बनाए एक्सरसाइज ये है कॉम्पोजिशन हैव यू बीन इन ट्रबल राइट अबाउट इट तो कॉम्पोजिशन नोट करें वंस आई वेंट टू अ शॉपिंग मॉल my mama was busy in a section i could not wait any more i strolled down to the aisles इसका मतलब होता है तवील तंग रास्ता और इसमें जो s होता है वो साइलेंट होता है i got lost in the variety of a toy shop they were all very charming then i turned into a aisle i could not find mama I got very afraid. I began to look for Mama. I looked for a long time, but in vain. I was about to cry when suddenly Mama grabbed me from behind. She had also been looking for me. I was so relieved to find her. this Project: Animals' Homes. रेबिट्स लिव इन बोरोज अंडर द ग्राउंड डू यू नो वेयर बर्ड्स लिव डो जू नो द नेम्स ऑफ देयर एनिमल्स होम्स राइट द नेम्स ऑफ टू अदर एनिमल्स बिलो फाइंड आउट वट देयर होम्स आर कॉल्ड और ये आप यहाँ पर दो पिक्चर्स ड्रा करें किसी भी एनिमल के और बर्ड के होम की और उनके नेम लिखें एनिमल का भी बर्ड का भी और फिर उनके जो हाउसेस होते हैं उनका भी जैसे ये डॉग लिखा है डॉग रहते हैं कैनल में बर्ड्स नेस्ट में और मैं थोड़े और भी आपको बता देती हूँ इनमें से भी आप कुछ ड्रॉ कर सकते हैं और लिख सकते हैं द बर्ड्स लिव इन नेस्ट्स लॉइन लिव इन डेंस डॉग्स लिव इन कैनल्स बुल्स लिव इन शेड्स हॉर्सेस लिव इन स्टेबल्स रेड्स लिव इन होल्स बीज लिव इन हाइव्स स्पाइडस लिव इन फेब्स तो ये होगी कंप्लीट एक्सरसाइज यूनिट ट्वेल्व की नेक्स्ट यूनिट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना थैंक यू अल्लाह अल्लाफिज